ग्वालियर में फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर के साथ तिघवा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट हो गई। कंपनी में काम करने वाला 22 वर्षीय युवक लोन किस्तों का कलेक्शन करके लौट रहा था और रास्ते में चलती हुई बाइक पर आए दो युवकों ने उस पर लोहे की रॉड से हमला करके गिरा दिया। लुटेरों ने मारपीट करते हुए कट्टा अड़ा दिया और 86,000 रुपए नकदी से भरा हुआ बैग, टैबलेट और बायोमेट्रिक मशीन छीन कर ले गए। घायल आकाश शर्मा ने तिघवा थाने में FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। ग्वालियर के तिघरा थाना क्षेत्र में फरियादी आकाश शर्मा है, जो भारत फाइनेंस कंपनी बामोर में काम करते हैं। वो फाइनेंस के काम से जहाँ वसूली करके लौट रहे थे तो दो व्यक्ति अज्ञात वाहन चालक थे, मोटरसाइकिल से पीछे से आया और एक लोहे की रोड से उनके ऊपर अटैक किया, जिससे उनका बैलेंस चोट लगी और बैलेंस बिगड़ के नीचे गिर गया। उनके पास जो बैग था उसमें 86,000 रुपये नकद और एक सैमसंग कंपनी का टैबलेट और बायोमेट्रिक्स था, वो उनके से छीन के ले गए। उनकी रिपोर्ट पर से जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल CCTV फुटेज व टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर विवेचना की जा रही है। आरोपियों को जल्दी से जल्दी शिनाख्त कर उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे जब्त रकम व सैमसंग कंपनी का टैबलेट जब्त किया जाएगा।